मैं त्रिकुटानगर में इस समय मौजूद हूँ। कुछ दिन से मैं देख रही थी कि यहाँ पर एक प्लॉट है छोटा सा, और 5-6 लड़कियाँ रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचती हैं, और शाम को 3-4 बजे जो यहाँ से हैं वो जाती हैं। और काम क्या करती हैं यहाँ पर, ये देखिए खूबसूरती से जो है, ये एक छोटा सा प्लॉट है जहाँ पे छोटा सा जो है घर बना हुआ है, 3-4 कमरे हैं यहाँ पर। इनको जो है वो सजा रही थी, पेंट कर रही थी, तो मैंने सोचा आज इनसे बातचीत कर ही लेते हैं। क्या नाम है आपका? रिया राजपूत। आपका? अमृता नंदिता। अच्छा रिया, मुझे बताएं कि ये क्या चल रहा है, मतलब आप यहाँ पर, मतलब कैसे, मतलब ये जो पेंट का काम यहाँ आप कर रहे हैं, ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हैं, ये क्यों? एक्चुअली हमारी फाउंडेशन है किताब एंड कलम, जिसने हमारी प्रिंसिपल एनओ मैम हैं, जो हमारी सुमन मैम, और प्रिंसिपल के थ्रू हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये गली क्लासेस कर पाएँ उन बच्चों के लिए जिनको एक्चुअली एजुकेशन नहीं मिल पा रही है स्कूल में, ताकि एजुकेशन जो है वो हर जगह प्रोवाइड की जा सके, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मेन नेसेसिटी आज के लिविंग के लिए। आपको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आनी चाहिए। अच्छा तो किताब एंड कलम के साथ हम सब यहाँ वॉलेंटियर्स हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, तो हम यहाँ हेल्प, ताकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सहयोग हमारा भी हो अच्छा कि हम एजुकेशन में यूथ की जो आगे आने वाला जनरेशन है उसमें हम हेल्प कर सकें। मुझे बताएं कितने दिनों से ये जो है चित्रकारी का काम यहाँ पे शुरू हुआ हुआ है? हफ्ता, मतलब हफ्ता हो कैसे? चुका है। कब आते हो? बिल्कुल, हम सुबह आते कितने थे बजे? 8 या कभी कभार 10-11 बजे। अच्छा, हाँ जी, तो अपना कोई कन्वीनियंस है या मेटाडोर पकड़ी सीधा पहुँचे? स्कूटी 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 वगैरह मैटाडोर है, तो 6 लड़कियाँ आ जाती हैं स्कूटी नहीं, पे? मतलब मतलब सबका सबका अलग अपना, जो अलग। मेटाडोर्स में आ सकते हैं, जो अच्छा, स्कूटीज के थ्रू आ सकते हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। कॉलेज चल रहे हैं? हाँ हाँ जी। जी, क्लासेस हो रही हैं? बिल्कुल मिस नहीं हो रही? हो रही है। अच्छा, तो कभी फ़ोन नहीं आता कॉलेज वालों से, मतलब यहाँ की वहाँ पर आपकी अटेंडेंस लग रही है कि भाई एनसीसी के काम से गई हुई हैं लड़कियाँ? हाँ, हमारी ड्यूटीज़ हमें दी मिल जाती जाती है, है, मिल क्योंकि हम जाती है उस अच्छा टाइम काम पे। कर रहे हैं ना इसीलिए। अच्छा, पेरेंट्स नहीं कभी कभी कहते बेटा 8 बजे निकल, तो जो आपका कॉलेज जाने का टाइम है वो आप जो है यहाँ पर आके चित्रकारी करना शुरू कर देते हो? अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, पेरेंट्स, पेरेंट्स का भी है कि सपोर्ट ग्रेटर काफ़ी काफी के लिए ज़्यादा काम है। कर रहे हैं, तो इट्स गुड कि जाना चाहिए बच्चों को। अच्छा, आप इस फाउंडेशन के साथ कब से जुड़े हुए हैं, किताब एंड कलम के साथ? एक्चुअली जो हमारे एनसीसी वाले, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, उनमें तो आई गेस 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने लास्ट ईयर भी एक प्रोजेक्ट किया था, हम रिसेंटली अभी ज्वाइन हुए हैं, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है इनके साथ, अच्छा, एंड वी आर होपिंग कि और भी ऐसे होते रहें। मज़ा आ रहा है काम करते हैं। एग्जैक्टली, वो तो अच्छा, जो है। बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए, कौन कौन सी क्लासेस के बच्चे आते हैं? क्लासेस तो नहीं है, बट इट्स जी एन एज जी ग्रुप फ्रॉम फाइव अच्छा, टू क्या एज फोर्टीन ग्रुप है? 5 to 14 के बीच का एज ग्रुप है। उनको अच्छा। बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक नॉलेज है, वर्ड्स बनाना, वर्ड्स फॉर्म करना, अल्फ़ाबेट्स हो गए, मैथमेटिक्स का हो गया, वो नॉर्मल अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन या डे टू डे वर्क में यूज़। अच्छा, कब से आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं? हमारी कौन सी ये वाली हाँ 24 में? 24 24 से हो चुकी है। हाँ अच्छा, रिस्पॉन्स क्या है, कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? इसी लोकेलिटी से बच्चे आ रहे हैं अच्छा, काफ़ी क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा। है इस टाइम पे? आई थिंक 40 40 40 अच्छा, जब 40 40 अच्छा, जब बच्चे आते हैं एक्साइटेड होते हैं बहुत बहुत, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। स्माइल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी, कि बच्चे कितने एक्साइटेड होकर इनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, बच्चों की ज़्यादा, बच्चे होते हैं ना जैसे उनकी डिमांड होती है कि हमने ये पढ़ना है ये पढ़ना है, मतलब है कुछ ऐसा होता है बच्चों के साथ? हाँ, हाँ, बोल देते हैं कि क्यूरियोसिटी हमने है आज काफ़ी गेम ज़्यादा। खेलनी है, डांस करना है, गाने अच्छा गाने हैं, बोल देते हैं। अच्छा, तो वो सब यहीं पर होता है। हाँ क्लासेस बिल्कुल, कहाँ करते हैं आप, या अंदर रूम्स में करते हैं कि बाहर? बाहर अभी फिलहाल बाहर ही, बाहर ही हाँ कर रहे जी, हैं। अच्छा, उस दौरान भी ये काम आपका चल रहा होता है या उस हाँ दौरान कंटिन्यू, कंटिन्यू करते बिल्कुल। रहते हैं? अच्छा, तो फिर खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे? वो हम ब्रेक गुनीत सर, गुनीत सर, हाँ जी, इनके गुनीत सर जो हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, मैं कहूँगी कर्ता धर्ता हैं, मेरे साथ इस समय मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। गुनीत जी, चलते चलते बात करेंगे। मुझे बताएं कि ये जो फाउंडेशन है ये कब से स्टार्ट की, इसके पीछे क्या स्टोरी रही, मतलब क्या एक वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? थैंक यू सो मच। सो बेसिकली किताब एंड कलम फाउंडेशन हमने 18 जून को स्टार्ट की थी लास्ट ईयर। सो द एम वाज वेरी बेसिक, दैट वी प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चों को बिल्कुल आप समझिए, जैसे आप कह सकते हैं जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं चिल्ड्रन की कैटेगरी में, तो बेसिक रीडिंग, अरिथमेटिक एंड राइटिंग स्किल्स बच्चों को सिखाई जाएँ। कि इसमें भी अब दो कैटेगरीज आ जाती हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में। पहली कैटेगरी ये आती है कि जो बच्चा आज तक कभी स्कूल नहीं गया, एंड दूसरी कैटेगरी ये जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, माइग्रेशन लेबर्स या कुछ भी ऐसे, कि बेसिक बच्चों को आने चाहिए कि बच्चा पढ़ पाए, लिख पाए और हिसाब कर पाए, तब बेसिक अगर मैं टर्म्स में बात करूँ। एंड जैसे अभी कुछ मेरी वॉलंटियर्स ने आपको बताया, हमारे पास एज 5 से लेके 14 तक के बच्चों को हम अभी पढ़ा रहे हैं, एंड उन्हीं को हम फेलिसिटेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे गुरीन बताएं आपकी एज क्या है?
अभी आई एम 21. तो ये तो एज तो पढ़ाई की है आपकी भी, तो ये फाउंडेशन आपने स्टार्ट की, पढ़ाई भी है आपकी, तो फिर कैसे मैनेज होता है दोनों चीज़ों को इकट्ठा चलाना? आई फील लाइक कि किताबें कलम फाउंडेशन के लिए काम करना है, दिस इज़ अ कॉज विच आई कैन रिलेट टू एंड ये मेरे साथ काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ है. सो ये काम करना इट्स नॉट लाइक अ बर्न आउट तो नहीं है बिल्कुल भी, इट्स मोर लाइक आप कह सकते इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट. तो आप भी जानते हैं आपका अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा जिसके लिए आप पैशनेट हो तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. आई हैव अ गुड टीम ऑफ वॉलेंटियर्स, टीम मेम्बर्स जो आके एक्टिवली काम करते हैं. सो बेसिकली वी हैव मोर देन वन हर कोई लाइक वी हैव डिफरेंट मेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट स्कूल्स, एवरीवन इज़ देयर एंड प्लस हमारे साथ स्कूल्स कॉलेजेस काफ़ी बच्चे हैं. अच्छा मुझे बताएं कि कितना टाइम हो गया इस फाउंडेशन को शुरू हुए? अभी 18 जून को हमें एक साल होगा. एक साल हो जाए जी. अच्छा तो मुझे बताएं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, फाइनेंसिस ऑब्वियसली नीड होते हैं, तो फाइनेंसिस कैसे मैनेज करते हैं? सो बेसिकली टचवुड अभी तक हमें किसी चीज़ की ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं. सो हमारे इधर फाइनेंसिस में दो पार्ट्स आते हैं. पहला आता है फंड रेजिंग. सो हम अपने बच्चों की जो क्लासेस होती है ना इसी के साथ साथ हम स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे कभी कुछ बच्चों से दिए बनवा लिए, कभी जैसे अभी वी रिसेंटली हैड अ विजिट ऑफ अ आर्टिस्ट, क्रोशे आर्टिस्ट, तो उन्होंने बच्चों से रोज़ वगैरह जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाए थे तो वैसे कुछ ना कुछ बच्चों से बनवा लिए. एंड देन वी रीच आउट टू जैसे वेव मॉल हो गया या किसी भी स्कूल का अंदर आप सारे वो सेल करते हैं, हम वहाँ पर सेल करते हैं, इससे हमारे बच्चों का काम भी दिख जाते हैं, देन वी कैन रेज द फंड. पहला ये चीज़ आ गई. दूसरा थ्रू सोशल मीडिया, जैसे हमें चेयर्स चाहिए थी, पेंट चाहिए था या कुछ भी चाहिए था, फैंस वगैरह कुछ भी, तो हम सोशल मीडिया पे अपील करते हैं या अपनी टीम को बोल देते हैं. सो टचवुड अभी तक हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें जो भी सामान है यू वोंट बिलीव आधे घंटे एक घंटे के अंदर हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फुलफिल हो ही जाती हैं. अच्छा जब आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप मतलब आपका कोई जैसे कोई पेज है आपका फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज है जहाँ पर आप ये अपनी नीड्स जो हैं वो डालते हैं, मतलब कैसे चलता है? सो बेसिकली वी हैव सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है बाय द नेम ऑफ किताब और कलम फाउंडेशन. सो वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा जम्मू के इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल से भी कनेक्टेड हैं, तो कभी भी हमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है हमारी प्लीज स्टोरी नहीं शेयर करो. एग्जाम्पल के लिए भी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमें ऐसी 5-6 इन्फ्लुएंसर्स हमने लिस्ट डाउन किया, उनको बोला कि प्लीज़ आप हमारी स्टोरी शेयर करो, उन्होंने अपनी स्टोरी डाली, हमें विद इन अ डे काफ़ी ऐसे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं वी वुड लव टू वॉलंटियर फॉर दिस कॉज. तो इसी तरह से आई गेस कम्युनिटी अवेयरनेस जब हो तो लोग अपने आप जुड़ ही जाते हैं. ऑब्वियसली व्हेन योर वर्क इज़ ट्रांसपेरेंट, आप अकाउंटेबल हो अपने काम के लिए, लोग देख पा रहे हैं आपका काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपने आप ही हर कोई आ जाता है. अच्छा अगर जैसे इंडिविजुअली आपके साथ किसी को ज्वाइन करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? द प्रोसेस इज़ एक्चुअली वेरी इजी, दे कैन जस्ट रीच आउट टू अस किसी भी तरीके से, दे कैन विजिट आर क्लासेस. हमारी एक क्लास है त्रिकुटा नगर में साउथ एक्सटेंशन नियर भारत माता मंदिर, और दूसरी क्लास है अपना छन्नी में सेक्टर 7 चिनार इनक्लेव, और दे कैन रीच आउट टू अस ऑन हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे किताब और कलम के नाम से, या हमारा नंबर है 7889611847. दे कैन रीच आउट टू अस इन एनी वे, दे कैन जॉइन अस इस कॉज के लिए. अच्छा अच्छा जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला शुरुआत में, ऑब्वियसली एक टेंशन होती है जब शुरुआत की थी आपने, उस टाइम पे मतलब टेंशन हुई थी कि मैं फाउंडेशन शुरू कर रहा हूँ, कितने साल लगभग आपको हो चुके हैं, मतलब इतने सालों से आप ये फाउंडेशन चला रहे हैं, ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना होगा आपका जब आपने सोच के रखा होगा, तो उस टाइम टेंशन हुई कि मैंने एक प्लान तो कर लिया हुआ है लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँगा, ये आगे चलेगा कैसे, हो भी पाएगा सक्सेसफुल वैसे जैसे सोचा है कि नहीं हो पाएगा? आई डोंट थिंक कि मतलब एक्चुअली में कोई ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं थी. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट पास्ट 4.5 years. मतलब लगभग जब आप 11th में था, हाँ तब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी लोगों की सपोर्ट रही है. जैसे मेरे जो मेंटोर हैं मिस्टर अजय सलान सर एंड शशांक सर, तो काफ़ी सपोर्ट रही. व्हेन आई स्टार्टेड दिस वर्क अजय सलान सर वाज़ अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर अपना, अब तो वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं. ऐसे शशांक सर, ऐसे काफ़ी लोगों ने मुझे सिखाया एंड कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं. व्हेन वी स्टार्टेड यू वोंट बिलीव हमारे पास स्टार्टिंग में ही हमारे पास 40-50 बंदों की टीम एक ही हफ्ते में बन गई थी. सो व्हेन यू आर डूइंग द वर्क एंड लोग आपका काम देख पा रहे हैं, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी प्रॉब्लम. अभी हमें वॉलेंटियर्स चाहिए थे, हमारी स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन हैं, कॉलेजेस के साथ हैं, विद इन एक हफ्ता या कुछ ऐसे हमारे साथ मोर देन 50-80 वॉलंटियर्स जुड़ गए. सो कभी हमें किसी चीज़ की ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं. अच्छा.
लोग अपने आप ही जुड़ जाते हैं, सो ये एक अच्छी चीज़। अच्छा, आखिर में गुनीत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जिन बच्चों को पढ़ना हो, जो एक्साइटेड हो, जो चाहते हैं पढ़ना, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब कहाँ कहाँ आप क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या एरियाज़ रहते हैं आपकी, कब कब क्लासेस आपकी होती है, तो उस बारे में थोड़ा बताएं कि जो बच्चे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनको सच में है कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, और ये जो आपके कोर्सेज़ हैं, क्या ये सिर्फ न्यू कमर्स के लिए कि ड्रॉप आउट्स के लिए भी हैं, कैसा रहता है वो भी आप थोड़ा बता दें, सो दैट कि बच्चे भी आपके साथ जुड़ पाएँ और पेरेंट्स को भी क्लियर हो जाए। दो चीज़ें इसमें, बच्चे जुड़ने वाला है, इसमें भी दो कैटेगरीज आ गई। एज अ वॉलंटियर्स अगर कोई पढ़ने आना चाहता है, अगर कोई एज अ वॉलंटियर जुड़ना चाहता है, वी आर एक्चुअली ओपन टू वॉलंटियर्स। हमें रेगुलर एजुकेटर्स चाहिए जो हमारे बच्चों को आके पढ़ा पाएँ। दूसरा, अगर कोई पेरेंट या कोई भी अपने बच्चे को एनरोल करना चाहता है, दे कैन विजिट आर क्लासेस नॉर्मली। दूसरी चीज़, हम बच्चों को क्या करवा रहे हैं, सो यू कैन से दीज आर मोस्टली द ब्रिज कोर्सेज। जैसे अगर कोई 10 साल का बच्चा है, उसको फॉर एग्जांपल फोर्थ या फिफ्थ में होना चाहिए था, वो कभी स्कूल नहीं गया है, तो हम उसके वो जो बीच के क्लासेस रह जाती हैं, वो ब्रिज कोर्सेज करा के हमारा वही मोटिव है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में अक्टूबर तक एडमिशन्स खुली रहती हैं, तो हमारा मेन मोटिव है कि वो हमारे पास जो भी 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में हम बच्चों को एज अप्रोप्रिएट क्लासेज में डलवा सके। दैट इज़ आर एम एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो जो आउट, हाँ, ड्रॉप आउट्स भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि जो नेवर एनरोल्ड स्टूडेंट्स एंड ड्रॉप आउट्स, दोनों हमारे पास आ सकते हैं पढ़ने के लिए, एंड हम दोनों को पढ़ाएंगे, एंड दैट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक टचवुड, हमें सपोर्ट भी है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, इन बच्चों की एनरोलमेंट या कुछ भी लेके, तो दैट्स आर प्रॉब्लम कि हम किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाएं एंड कैसे क्या करें। हमारा मेन मोटिव ये कि इन बच्चों को ब्रिज कोर्सेज करवा के इनको बेसिक स्किल्स प्रोवाइड करें, सो दैट वी कैन पुश देम बैक टू द फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा गुनीत, आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल किताब और कलम का, जहाँ पर लोग आपके साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो उनको थोड़ा प्रोवाइड कर दीजिए। सो एज आई मेंशन पहले भी, किताब और कलम का सोशल मीडिया हैंडल भी है, एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों हैंडल्स है किताब और कलम फाउंडेशन, किताब में डबल ए आते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रीच आउट टू अस नंबर के थ्रू, तो हमारा नंबर है 7889611847। तो आपने सुन लिया कि एक बहुत अच्छी कोशिश जो है अपनी हमारी सोसाइटी में एज के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, कि किसी तरीके से जो है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं रिसोर्सेस ना होने की वजह से, उनको इस तरीके की जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि लड़कियों ने बात की थोड़ी देर पहले और काम जो है लगातार इनका चलता जा रहा है, काम इनका छूट नहीं रहा है, सुबह आती हैं शाम को जाती हैं, क्लासेस चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सोशल वर्क पहले है। आल दिथे हिंदी देख सकते हो, ये पेंटा दी हालत तुम देखो, ये देखो पूरे ये पेंटर बनी रही ने सारियाँ इतने हाथ जो ब्रश फड़े रहे ने, ये देखो ये हाथ दसो भैन जी अपने, ये देखो हाथों जो भी पेंट जड़ा इन्होंने मारे रहा, इन्नी जड़ी है मतलब इन्ना जड़ा जुनून जड़ा इन्हों इतने चढ़े रहा। अच्छा, जाते जाते सारे बच्चों को कुछ कहना चाहोगे? साढ़े कने जुड़ो पढ़ो तो अगे वधो।